मतलब अपनी कीमत वसूल किए बगैर जाने नहीं देंगे मुझे। ये सलार को भी पहचान नहीं पाई है। सच में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों की। हाँ हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेकर आए कपारा के बेस्ट मोमेंट्स। तो हम लोगों ने एक बेस्ट मोमेंट्स तो आपके साथ शेयर किया है और आप लोगों ने उस पर इतना प्यार दिया है, इतने सारे और कमेंट्स आए हैं कि हमें इसके रोज इसके सीन्स देखने चाहिए। पर बीच में दुनियापुर भी आ गया था, तो हमने सोचा क्यों ना दुनियापुर का एपिसोड भी पहले देख लेना चाहिए हमें। तो हमने उसका एपिसोड भी देखा, हमें वो भी बहुत पसंद आया। अगर आपने हमारा उस पर रिएक्शन नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखना। और कफारा के बारे में तो क्या ही बोले, जो लेटेस्ट जो लास्ट वाला हमने इसका वो देखा था बेस्ट सीन, वो बारिश वाला, ओ माई गॉड, मतलब दिन बन गया था। इतना अच्छा, इतना रोमांटिक, दोनों के अंदर जो प्यार दिखाया था उस सीन के अंदर, मजा आ गया था। देखते हैं आज की सीन में क्या कुछ खास है, फिर उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया में इस वक्त दो ड्रामास जो पाकिस्तानी हैं वो बहुत ज्यादा धूम मचा रहे हैं। एक तो है दुनियापुर और दूसरा है ये कफारा, क्योंकि कफारा की जो ओएसटी है वो आई थिंक हर एक इंसान की जुबान पर है इस टाइम। और जिससे भी पूछ लो, जब भी हम कभी बात करते हैं, मुझे याद आता है जब हम छोटे थे तो एक टाइम था जब इंडिया में क्योंकि सास भी कभी बहू है, तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की, ऐसे जो ड्रामास थे ना उसका बहुत क्रेज था। और आई थिंक जब कोई भी हमारी मम्मी आपस में मिलती थी तो इसी शोज के बारे में बात होती थी। तो मुझे आज का अपना टाइम याद आता है कि जब भी हम अब अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं ना तो आई थिंक इस ओएसटी के ऊपर चर्चा होती है, या हमेशा जो है सितारा और सलार की जो लव स्टोरी है उसके बारे में चर्चा होती है। तो मुझे याद आ जाता है कि हाँ यार, हमारी मम्मियाँ भी ऐसे ही करती थी। तो वाकई में बहुत अच्छा फील होता है कि इतने अच्छे ड्रामास आज के टाइम पर भी बन रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये इतनी परेशान क्यों है? मेरी मोहब्बत है, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ, ये है उसका स्टेटस। सलार, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं सही कर रहा हूं या गलत? I don't think that really matters right now. लेकिन मैं फैसला कर चुका हूं। Dad, क्या आप अपने बेटे की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? नहीं। मुझे लगा कि वो ऐसा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि हाँ। नहीं, मैं तुमको ये करने की इजाजत दूंगा। मैं आपको साथ चलने के लिए मनाने आया, इजाजत लेने दे। सलार के डैड का रोल ऐसा तो नहीं दिखाया था, मतलब वो तो बहुत प्यार करते हैं सलार से। हाँ। अच्छा, जस्ट आफ्टर द मैरिज। सुनो, देखो नाराजगी अपनी तरफ, लेकिन प्लीज गुस्सा खत्म कीजिए। सो जाओ। हुँ? ये हुक्म है आपका। तुम चाहती क्या हो सितारा? मेरे पास जाने के ऑप्शंस हैं क्या? कितनी पेशेंटली बोलती है सितारा। हाँ, तुम्हारे पास तो सारे ऑप्शंस। सारे? मैं यहाँ पे एक पॉज ले रही हूँ, मतलब आप, मैं सितारा को देख रही हूँ, वो अब मतलब इस शादी के जोड़े में कितनी तो प्यारी लग रही है यार। लाल जोड़ा है, इतना रूप चढ़ा है उसको और बहुत अच्छा मेकअप किया हुआ है उसने, बहुत ज्यादा उसका मेकअप नहीं है, बहुत प्यारी लग रही है। और सलार व्हाइट कुर्ते पजामा है, वाओ, दोनों इतने अच्छे लग रहे हैं साथ में कि मैं क्या बताऊँ। मेरा मन क्या कर रहा है पॉज दूँ और आप लोगों को बताऊँ कि मुझे तो ये दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ में। मैं एक ना मजाकिया किस्सा है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्या है कि जब हम ये सीरियल, ये
ये ड्रामास देखते हैं ना, तो हमारे परिवार के सब लोग बैठे होते हैं, तो कई बार हम अपनी मम्मी पापा के सामने ये बात बोल रहे थे कि देखो ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो हमारी जो मदर्स हैं वो हमेशा हमें ये बात कहती कि इनसे ना तहजीब सीखो कि बोला कैसे जाता है। तुम लोगों से अगर कोई दो बातें कुछ अगर कर दे नेगेटिव तो तुम लोग तो बिल्कुल एकदम से गुस्से में आ जाते हो, तुम लोग की टोन ही चेंज हो जाती है। लेकिन सितारा कितनी पेशेंटली हर चीज का जवाब देती है, और सलार कितना काम है, मतलब वो हर चीज को इतना इंटेलेक्चुअली फेस करता है कि वो वाकई में तारीफें लायक होता है। तो हमारी मदर तो हमेशा यही कहती है कि जहां तुम्हें इन दोनों की लव स्टोरी अच्छी लगती है तो इन दोनों से बात करने की तहजीब भी सीखो, तो ये हमें बड़ा मजा आता है। सही में मैं भी डिटो सेम यही सोच रही थी कि सलार कितना काम है, मतलब सितारा इतना कुछ बोलती है बट स्टिल वो कैसे, अपने रियल लाइफ में लोग ऐसे नहीं होते हैं कि वो इतना कामली वो सारी चीजें हैंडल कर रहा है, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। उसका घर, उसका भाई, और जब घर बिकेगा तो मैं हिस्सा दे दूंगा। ओ गॉड, लेकिन आपने सितारा की पूरी कीमत सलमान को दे दी है ना, तो बस उसे वहीं रखिएगा, दोबारा यहां मत भेजिएगा। हेलो, बोले ना, सारे ऑप्शंस है मेरे पास। सलार बोलेगा तुम वापस नहीं जा सकती, आई एम श्योर कि वो यही बोलने वाला है। हाँ, सिवाय यहाँ से वापस जाने के। आई न्यू इट, इसीलिए कोई भी बारात में नहीं आया था ना, सब जानते थे ना कि आप मुझे खरीद कर लाए। मेरी बात सुनो, इस कमरे से बाहर ना सब तुम्हें मेरी भावपत मानते हैं। मतलब अपनी कीमत वसूल किए बगैर जाने नहीं देंगे मुझे? ये सलार को भी पहचान नहीं पाई है। सच में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों। हाँ, वो कितना प्यार करता है इसको यार। अगर इस कमरे से बाहर ना मेरी मोहब्बत बंद करी रहना, सितारा नाम है दुल्हन का। अगर आप भी मिल लें तो अच्छा होगा, सालार को भी अच्छा लगेगा। सालार के अच्छे लगने की वजह से मैं उस लड़की को अपने सर पे बिठा लूं क्या? अरे सर पे बिठाने की कौन बात कर रहा है, कम से कम अपने साथ तो बिठा सकती हो। यानी कि आपने इस लड़की को ऐसा बहू एक्सेप्ट कर लिया है? हाँ, मेरे ख्याल में आप भी अपने एंड पे कोई फस क्रिएट ना करें। इनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, बट और बड़ी छलांग लगाने के लिए अगर दो कदम पीछे हटना पड़े तो हट जाना चाहिए। कितनी अच्छी बात बोली उन्होंने। जिस लड़की की मैं शक्ल तक देखना नहीं चाहती उस लड़की को अपने खानदान की बहू की तरह के प्रोटोकॉल दूंगी मैं। भाई वो जिद करके अब ले आया है तो उसको शौक पूरा कर लेने दो, जब दिल भर जाएगा तो छोड़ देगा। जरा सी बात के लिए अपने बेटे को हम अपने खिलाफ तो नहीं कर सकते ना। आपका बेटा सड़क से रेस्क्यू किए हुए कुत्ते बिल्लियां नहीं छोड़ सकता, वो अपनी बीवी छोड़ देगा? अरे भाई कुत्ते और बिल्लियों को वो अपनी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस तो नहीं कर सकता ना। कहना क्या चाहते हैं आप? मर्द मोहब्बत में शादी तो कर लेता है लेकिन ऊन वो सोसाइटी के अप्रूवल के बाद ही करता है। मुझे लगा था कि इनके मन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर है। मर्द उसको ज्यादा देर तक ऊन नहीं कर पाता। सो यू मीन टू से कि अगर ये लड़की हमारे सोशल सर्कल में नहीं चल सकी तो सलार उसे छोड़ देगा? हमारी एक सोशल गैदरिंग की मार है ये रिश्ता। ओह गॉड, यानी इनकी कुछ प्लानिंग चल रही है कि सलार और सितारा अलग हो जाए। अलग हो जाए, बहुत गलत सोच रहे हैं। वो मेरी बहू नहीं है और ना मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी और ना रहने दूंगी उसे यहाँ पर। चलो फिर तो बहुत अच्छा हुआ कि मैंने
अपना घर उन दोनों के नाम कर दिया। कौन सी बात का बदला लिया है आपने हमसे? अगर आपको अपनी बेटी से शिकायत है तो आप इससे निपटें। कौन सी दुश्मनी निकाल रही हैं आप हमसे? क्यों किसी गड़े के अंदर धक्का दे रही हैं मेरे बेटे को? दुश्मनी मैं नहीं ताहिर, तुम कर रहे हो अपने बेटे के साथ। उसके इतने अहम दिन पर तुमने उसको अकेला छोड़ दिया। वो गलत जगह पे गिर रहा था, उसको संभालता या उसके साथ मैं भी गिर जाता? वो कुछ गलत नहीं कर रहा, बल्कि तुम आईना देख कर डर गए। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बीवी की तरह उसकी कम हैसियत बीवी भी उसकी उम्मीदों में पूरी नहीं उतरेगी। कम हैसियत बीवी? ओ माय गॉड, कितना अच्छा सीन था ये शादी वाला। मतलब कि हमने शादी वाला प्रॉपर सीन तो नहीं देखा, बट जब सलार उसको घर ले आता है और उसके बाद वाला जो सीन है, कैसे फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है उसको, और मतलब वो लोग प्लान कर रहे हैं कि इनको कैसे अलग किया जाए। हाँ। मुझे लगा था सलार के जो पापा हैं वो शायद उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके डैड उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि वो मुझे कहीं ना कहीं उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है। बट उसकी मॉम तो बहुत ज्यादा नेगेटिव रोल दिखाया है, वो तो बस चाहती है किसी तरह सितारा इस घर से निकल जाए। बट जो सलार की मोहब्बत है, मतलब वो तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। और वही अमीर गरीब जो भी, मतलब वो सब सोसाइटी में चलता रहता है, वो सब दिखा रहे हैं। उन्होंने बोला कम हैसियत की लड़की, मतलब इतना भारी डायलॉग था ये कि मेरे को तो सुन के एक बार को ऐसा लगा कि कोई ऐसे कैसे कह सकता है। बट बहुत अच्छा लगा, मतलब पूरा जो था बहुत इंटरेस्टिंग थी आज के लिए। आई थिंक जो इस सीरियल की स्टोरी है, जो पंच लाइन है ना, इस बेस पर हमने बहुत सारे सीरियल देखे हैं, लेकिन आई थिंक हर किसी की जो एंडिंग होती है वो अलग होती है। हर किसी के जो है बीच के जो पार्ट होते हैं ना, उसमें जो रिएक्शंस कैरेक्टर्स के आते हैं, हर किसी के अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मुझे बहुत डिफरेंट लगा, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो पूरी तरीके से खिलाफ भी नहीं है और पूरी तरीके से उन्हें एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। वो पूरी इस कश्मकश में लगे हुए हैं कि हम अपना बेटा भी ना खोएं, और जो है जिस तरीके से पॉजिटिवली जो है हम सितारा और सलार को अलग कर दें। तो ये देखना बहुत मजेदार होगा। मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है। अगर आप इसे कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं इस ड्रामा को, तो आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आजकल क्या चल रहा है इनके बीच की जो ये नजरअंदाजगी, ये जो एक दूसरे कैरेक्टर्स को कर रहे हैं, उनकी कुछ दूर हुई नाराजगियां या नहीं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।